मिथिलेश बता रहे हैं कि बच्चे भी घर से बाहर ना निकले और बड़े भी बहुत जरूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकले। आगे बढ़ते हुए मंदसौर का रुख जान लेते हैं कि मंदसौर में क्या हाल है। नरेंद्र हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं मंदसौर का रिपोर्ट देने के लिए और साथ ही ग्वालियर से सुशील कौशिक भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। नरेंद्र बताए जरा फिलहाल मंदसौर में क्या स्थिति है, कहाँ पहुंचा है पारा? ये मंदसौर का पारा लोगों को बेहाल करने जैसा है। 45 डिग्री के आसपास यहाँ पर पहुंच गया है 44 डिग्री से और अभी थोड़ी देर में 45 ऊपर निकलने की संभावना है। तो 45 डिग्री तापमान पहली बार हुआ है, इतनी भयंकर गर्मी में पहली बार लोग महसूस कर रहे हैं। और मेरे साथ कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आप बताइए कितनी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है इस बार मंदसौर वालों को? पहली बार ऐसी गर्मी देखी है, आज तक कभी ऐसी गर्मी गिरी नहीं और इतनी ज्यादा हीट वेव चल रही है। 44 डिग्री का टेम्परेचर तो पहले देखा पर इतनी गर्म हवा कभी न देखी। और ये एसियों के दुष्परिणाम में जिनके कारण पूरा वातावरण जो है वो गर्म हो चुका है और आज हम इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं। आप बताइए, राजस्थान से अपना इलाका लगा हुआ है और राजस्थान में जिस तरीके से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है और हमारे ये राजस्थान की लू मध्य प्रदेश तक भी आ गई है, क्या कहेंगे? क्या वृक्षारोपण की कमी है या पर्यावरण के प्रति लोग जागरूक हैं? मुझे तो लगता है कि अपने इधर भी वृक्षारोपण की कमी लगती है और आए दिन जो अपने इधर विकास हो रहा है उसमें भी पेड़ काटे जा रहे हैं बहुत सारे, उनकी वजह से भी हो सकता है। मैं तो कह रहा हूँ कि ये पेड़ अधिक से अधिक लगाया जाए इससे ताकि गर्मी में राहत मिले। जितने पेड़ लोग काट रहे हैं विकास के लिए उतने लोग लगा नहीं रहे? नहीं लगा रहे। जी जी, आप बताइए गाँव से आप आते हैं, कितना जरूरी हो गया आज शहर का तापमान इतना बढ़ रहा है, पर्यावरण के लिए पेड़ कितने जरूरी है? पेड़ बहुत जरूरी है, गर्मी के लिए बहुत ज्यादा काटे जा रहे हैं, गर्मी पेड़ बहुत ज्यादा जरूरी है। अब गांव से आते हैं, गर्मी बहुत गिर रही है, बहुत ज्यादा गिर रही गर्मी, गर्मी कारण बाजार में मार्केट में बहुत कम पब्लिक बाहर निकल रही, घर से भी गर्मी बहुत गिर रही है और मार्केट में बहुत दिक्कत चल रही है, बाहर से गाँव से आ भी नहीं रहा अभी सिटी। तो देखिये बाजार सुनसान पड़ा है, कुछ लोग यहाँ पर आए हैं, गांव से आप आए हैं, कितनी परेशानी सामना करना पड़ा? गर्मी बहुत गर्मी आती, गर्मी बढ़ती रुका लग गई था, सब काटो ध्यान रखा, सब काटे जा लो को पैदा लगाना चाहूंगा। तो बात जो गर्मी है, हीट वेव्स आ रही है, उसके पीछे लोग एक कारण बता रहे हैं कि लगातार विकास के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, चाहे कॉलोनियों का विकास हो, शहर का विस्तार हो उसके लिए लगातार पेड़ों की बलि दी जा रही है, उसके मुकाबले वृक्षारोपण नहीं किया जा रहा है। बढ़ा गया है कि अब इतनी भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ रहा है, सर्दियों में भी भयंकर सर्दियां पड़ने लगती हैं, तो मौसम का संतुलन बिगड़ा हुआ है। सुशील, ग्वालियर की बात करें तो जो ग्वालियर में भी लगातार हम देख रहे हैं कि लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं, वहां पर भी पारा बहुत ज्यादा है। फिलहाल आज की क्या स्थिति है और अगले कुछ दिनों के लिए मौसम विभाग क्या कह रहा है? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल की गर्मी अपने आप में बड़ी ख़राब गर्मी, खतरनाक गर्मी रहती है। आप देखिए कि 2:30 बजे के वक्त जो है सूरज किस तरह से तप रहा है और यही वजह है कि ये जो बड़े बड़े पेड़ों के इलाके हैं जहां लोगों को थोड़ी राहत मिलती है वहां खड़े रहते हैं, और उसके अलावा जो दिन में निकलने वाले लोग हैं आप देख सकते हैं कि ये किसी तरह से ठंडे पदार्थों के सहारे राहत लेने की कोशिश करते नज़र आते हैं। अब देखिए दोपहर का वक्त है, 2:30 बजे के लगभग, पूछते किस तरह की गर्मी है? बहुत भयंकर गर्मी है। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? यहाँ BPCD बंदा। तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं आप? जूस पी रहे। गर्मी बहुत ज्यादा है? हाँ, बहुत ज्यादा है गर्मी। कैसी गर्मी है दादा इस बार? बहुत ज्यादा है। क्या हालात? हालत का आदमी बड़बड़ा रहा हूँ, घबराहट ज्यादा हो रहा है। ये देखिए दूर दूर से लोग आए हैं, क्या स्थिति है गर्मी की? स्थिति गर्मी की बहुत बेकार है। हाँ। बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ। गाड़ी चलाते समय भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे, बहुत ज्यादा गर्मी है। देखिए लगातार जो गर्मी है, गर्मी का प्रकोप बढ़ रहा है, और कैसी गर्मी है भाई? तो गर्मी तो बहुत पड़ रही है, एक जगह जब भी तो पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, अगर वैसे चौराहे पे कहीं जाए तो एक मिनट भी खड़े हो नहीं पा रहे। मिल रही है दोपहर में गर्मी में? नहीं, वो तो वैसे टाइम पास हो रहा है। क्या हालात है गर्मी? बिल्कुल सर वैसा ही। देखिए ये लोग हैं कि जो लगातार गर्मी से परेशान है और यही वजह कि दोपहर के वक्त जब गर्मी में त्राही त्राही हो जाती है तब ये देखिए आपके जो ठंडी दुकानें हैं, किस तरह के हालात है गर्मी के? गर्मी के बहुत बुरे हालात हैं। तो लोग आ रहे हैं यहाँ? आते हैं, ठंडा होके चले जाते हैं, बेहोश भी हो जाते हैं कई लोग चलते चलते बेहोश तो होते नहीं है, लेकिन आके जहाँ राहत मिलती है उन्हें पी के चले जाते हैं। गर्मी का असर बहुत है, बहुत है इस टाइम, बहुत है। गर्मी का असर जो है लगातार बढ़ रहा है और अब चूंकि 25 मई से नौ तपा शुरू होने वाला है तो
तो ये गर्मी का असर ग्वालियर चंबल अंचल में और बढ़ेगा। मौसम विभाग का अनुमान है कि इस बार 46 डिग्री से ऊपर तापमान जाएगा और इसके साथ ही लू भी इलाके में चलती रहेगी, तो गर्मी से लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली है। बिल्कुल राहत मिलती फिलहाल नजर नहीं आ रही है। नौतपा बहुत गर्मी पड़ेगी, ये पहले से ही अनुमान लगाया जा रहा है। इन दिनों में गर्मी पड़ती भी ज्यादा है, लेकिन कहा जाता है कि जब गर्मी बहुत पड़ती है इन दिनों में तो फिर उसके बाद बारिश भी अच्छी रहती है। भोपाल चलते हैं, राजधानी में प्रशांत कटारे लगातार जुड़े हुए हैं। प्रशांत, मौसम विभाग क्या कह रहा है अगले कुछ दिनों के लिए भोपाल के अनुमान को लेकर? क्या कुछ राहत मिलने की उम्मीद है या अभी भी आने वाले दिनों में इन लू के थपेड़ों का ही सामना करना पड़ेगा? अपर्णा, राहत नहीं बल्कि हम ये कहें कि और ज्यादा तपिश होने वाली है राजधानी भोपाल में। अगर बीता दिन 44.4% था तो आज संभव कि 45 क्रॉस कर गया हो और ये आंकड़ा और बढ़ेगा। यानी कि जो 30 मई या ये जो पूरा मई का महीना है, पूरे मई महीने में गर्मी ऐसी रहने वाली है, बल्कि टेम्परेचर और बढ़ने वाला है, 45 को क्रॉस करने वाला। बहुत बड़ी बात नहीं कि 46 के करीब जा पहुंचे। लू लगातार चल रही, हीटवेव लगातार चल रही है, अगर 47 के नजदीक पहुंचता है तो वो सीवियर हीटवेव वाली कंडीशन हो जाती है। सीवियर हीटवेव वाली कंडीशन नहीं है, लेकिन हीटवेव लगातार चल रही है। लगातार लोगों को हाइड्रेट रहने की सलाह डॉक्टर दे रहे हैं, लोगों से यही कहा जा रहा है जब तक कि आपको बहुत जरूरत ना हो तब तक आप घरों से बाहर ना निकलें, डॉक्टर यही मशवरा दे रहे हैं। यानी कि अब केवल दोपहर नहीं बल्कि शाम के समय भी लू जैसे हालात बने हुए हैं, बल्कि जो रात है वो भी बहुत गर्म हो रही है। अपर्णा, राजधानी भोपाल की असहनीय गर्मी रात में भी लोगों को महसूस हो रही है। बिल्कुल, दिन का कोई भी पहर हो और गर्मी का ही सामना करना पड़ रहा है। ऊपर से जो अघोषित पावर कट है उसने भी परेशानियां बढ़ा दी है और आने वाले दिनों में भी ये गर्मी बढ़ेगी ही। फिलहाल राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। आप सभी लोग जो फील्ड पर निकले हुए हैं, आप लोग भी अपना अपना ख्याल रखिए, क्योंकि काम के निकलना आप लोगों की और हमारी मजबूरी है, लेकिन ख्याल रखना बेहद जरूरी है इस लू में, इस गर्म मौसम में। ख्याल रखिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का ही इस पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब देखते हैं।